दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां एएमयू में दलित छात्रों को आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया है, कहा है कि अगर बीएचयू में आरक्षण है तो फिर एएमयू में क्यों नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित अधिनियम का उन्होंने हवाला देते हुए इस बात का जिक्र किया, कहा कि एएमयू में दलित छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने आरक्षण के इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि जब बीएचयू में आरक्षण है तो फिर एएमयू में आरक्षण क्यों नहीं है, और इस बात को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित अधिनियम का हवाला दिया। प्रयागराज से जानकारी, जहां ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी बहस खत्म कर देगा और मुस्लिम पक्ष को अपनी नई दलील पेश करने का मौका मिलेगा। मामले में सुनवाई पूरी तरह से कोर्ट अपना जजमेंट इस पर रिजर्व कर लेगा। तो देखिए, जब इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी तो कोर्ट अपना जो जजमेंट है, फैसला है, उसे सुरक्षित रखेगा, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष को अपनी नई दलील पेश करने का मौका मिलेगा। इस पूरे मामले में ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस, जिसमें आज हिंदू पक्ष की जो अपनी दलीलें हैं वो खत्म हो जाएंगी और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख पाएगा, उसे एक मौका मिलेगा। और देखिए, ईडी को मुख्तार की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब मुख्तार से पूछताछ करेगा। 23 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में ही रहेगा मुख्तार अंसारी, और सरजील रजा की कस्टडी भी आज खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों कोर्ट में पेश होंगे। बीते कल देखिए मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई थी, और उसके बाद जहां मांग की जा रही थी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की, तो कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी को मंजूर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब पूछताछ होगी मुख्तार अंसारी से। और अब खबर है गाजीपुर से, जहां मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर केस में आज फैसला होगा। एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल 1996 में मुख्तार पर गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है, आज फैसले का दिन है। तो मुख्तार पर जो ये केस दर्ज है गैंगस्टर एक्ट के मामले में, इस पर आज फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा। 1996 का ये मामला है जब गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था मुख्तार पर, और इस पर सभी तरीके की सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है, आज फैसले का दिन है इस मामले में। और देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान शैक्षिक सत्र शुरू हुए 8.5 महीने बीत चुके हैं। 3.5 महीने के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में अब भी लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभिभावकों को खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी का पैसा तक नहीं भेजा गया। सर्दी में भी तमाम बच्चे बिना स्वेटर और जूते मोजों के ही स्कूल में आ रहे हैं। एबीपी गंगा जब पड़ताल करने के लिए वहां पर पहुंचा तो अभिभावकों ने अपना दर्द बयां किया, जिसने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। वर्तमान शैक्षिक सत्र को शुरू हुए लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका है, यानी कह सकते हैं कि सत्र कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। मार्च में सत्र खत्म होता है, अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके खाते में अब तक डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का पैसा तक नहीं पहुंचा है। सर्दी आ चुकी है, लेकिन अब तक इन बच्चों के खाते में स्वेटर का पैसा नहीं आया, जूते मोजे का पैसा नहीं आया। तमाम बच्चों ने तो अपने संसाधनों से, उनके अभिभावकों ने इनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। आपको दिखाते हैं कि स्कूल में हम इस समय मौजूद हैं, उदयगंज में स्कूल है, यहाँ पर हमें तमाम छात्र छात्राएं भी दिख रहे हैं जिन्होंने पैर में जूते मोजे भी नहीं पहने। आप ये देखिए, ये बच्चे हैं चप्पल में स्कूल आ रहे हैं। जो यूनिफॉर्म के नाम पर कपड़ों की अगर बात की जाए तो आगे देखिए, बच्चा जा रहा है पैंट नहीं पहनी, लड़कियाँ जा रही हैं। एक चीज़ है किरण जी के बच्चे ने, यहाँ भी देख रहा हूँ, अंदर तो स्वेटर पहना है, बाहर नहीं पहना, यूनिफॉर्म यानी कह सकते पूरी नहीं है। बच्ची ने जो सैंडल्स पहने हैं वो भी स्कूल यूनिफॉर्म के तो नहीं लग रहे, क्या वजह है? ये पैसा आया नहीं है बच्चों का, और मेरे अपने पास से ही लेके दिया हुआ है, थोड़ी घर की भी समस्या है इसलिए पर नहीं हो पा रहा है। बच्चों को हम देख रहे हैं, अब तो दिसंबर चल रहा है, बच्चों ने पैर में जूते नहीं है, किसी ने स्वेटर नहीं पहना, ऐसा क्यों? बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया है, लगभग आधे बच्चों के में जा चुका है, बाकी और प्रोसेस में है, बाकी और डिटेल आप विभाग से पूछिए। शैक्षिक सत्र में 9 महीने का वक्त बीत चुका है, दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कह सकते हैं सत्र खत्म होने को है, लेकिन अभी भी प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके खातों में डीबीटी का पैसा नहीं पहुंचा, यानी जो पैसा उन्हें यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्टेशनरी के नाम पर मिलना था अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है। संदीप जी, अब तो सत्र खत्म होने की तरफ है,
मार्च में खत्म हो जाता है, अप्रैल से नया सत्र होता है, लेकिन अभी तक लाखों स्टूडेंट्स के खाते में, अभिभावकों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा। देखिए, संख्या इसकी आप तय नहीं है कि आप लाखों की संख्या में नहीं है, लगभग हर एक बच्चे के खाते में 100% हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक बच्चे तक जो DBT की राशि है वो पहुँचा दी जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में लगातार नहीं आते हैं, बच्चे विद्यालय में उनकी अटेंडेंस ना के बराबर है और डॉक्यूमेंटेशन जहां पे अभी पूरी नहीं हुई है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहां पे अभी जो DBT की धनराशि है वो पहुंची नहीं है। केवल ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।